डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। सबसे पहले आप ये समझो बच्चों कि डाइजेशन है क्या। डाइजेशन का मतलब होता है कि जो हम खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है और कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है ताकि हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। और ये सारा प्रोसेस होता है एंजाइम के द्वारा। सच प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। और पूरा का पूरा जो डाइजेशन होता है बच्चों, वो होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं आहार नाल। एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हो माउथ, फेरिक्स, पूरा पाइप, इसोफेगस, देन स्टमक। स्टमक जहाँ पे खाना आके स्टोर्ड होता है, उसका शुरू होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल का पहला पार्ट है ड्यूडेनम, जिजनम, इलियम। और फिर ये शुरू होती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो जो भी हम खाना खाते हैं, एक्चुअली वो खाना हमारी बॉडी में तीन जगह डाइजेस्ट होता है। सबसे पहले माउथ में, उसके बाद स्टमक में, उसके बाद खाना पचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन तरह के जूस मिलते हैं। लिवर से बाइल जूस निकल के आता है, वो भी मिलता है, पेनक्रियास का पेनक्रेटिक जूस, और स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइनल जूस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा डाइजेशन इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे तीन तरह के जूस मिलते हैं, राइट।